नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में प्रथम प्रश्न पत्र आपका रीतिकालीन काव्य। प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हम कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये मतीराम जी की भक्ति भाव वर्णन शीर्षक से उद्गृत है। और मतीराम जी के ये जो सारे पद हैं वो इनके ग्रंथ है ललित ललाम, उस ग्रंथ से संकलित है, ग्रंथ में संकलित है ये, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, ललित ललाम ग्रंथ में संकलित है और आज हम इनके भक्ति भाव संबंधी वर्णन शीर्षक से जो पद है उनको पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला पद हमें अब लेते हैं कि राधा मोवन लाल को जाहिन भावत नेह, परियो मुटे हजार दस ताकी आँखिन खे। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दोहा है इसमें मतीराम जी राधा मोहन यानी राधा कृष्ण जी की भक्ति करने की बात कह रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित भक्ति भाव शीर्षक से उद्गृत है और इसमें मतीराम जी ने कवि ने राधा मोहन यानी श्री कृष्ण जी और राधा जी की भक्ति करने की बात कही है। किस प्रकार से भक्त है वो उनकी भक्ति करके अपने वरदान श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। राधा मोहन का अर्थ यहाँ पर राधा कृष्ण, राधा मोहन का अर्थ हो गया राधा और मोहन कृष्ण, लाल को मतलब यहाँ पर सरस लीला को, सरस लीला, ठीक है, सरस लीला को या फिर इनके रसिक स्वरूप को, जाही मने जिनका, नै मने नहीं, भावत मने अच्छा लगता है, बाता है, ठीक है, नेह मने प्रेम या स्नेह। यानी प्यारे विद्यार्थियों, जो राधा, जो राधा और कृष्ण देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें राधा और कृष्ण की बात कही गई है कि राधा मोहन लाल को जाहिन भावत नेह, परियो मने पड़ा हो मुट्ठी हजार यानी हाथ में, हजार दस, दस हजार रुपये या धन, या इसका अर्थ हम ले सकते हैं खूब धन दौलत, खूब धन दौलत। उस समय 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा थे मतीराम जी के समय, तो खूब धन दौलत, ताकि मैंने उसकी आँखी, उसकी ताकि मैंने उसकी आँखी, मैंने आँखों को, आँखों को प्यारे विद्यार्थियों, आँखों को क्या है, लालसा या इच्छा, ठीक है, लालसा या इच्छा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कि
जो मतीराम जी कवि कहते हैं कि जो भक्त या जो साधक है या जो मनुष्य है जिन्हें राधा कृष्ण के ये जो रसिक स्वरूप है, रसिक स्वरूप या उनकी सरस लीला में बिल्कुल भी जिनका प्रेम नहीं है या स्नेह नहीं है, जिनको राधा कृष्ण की भक्ति अच्छी नहीं लगती, राधा कृष्ण की सरस लीला को पढ़ना गाना या आत्मसात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, तो जाहिन भावत ने, यानी जिनको राधा कृष्ण में प्रीति नहीं है, जिन्हें राधा कृष्ण है वो अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे मनुष्य उसी प्रकार से जो है उनकी इच्छा या लालसा रहती है। जैसे परियो मुट्ठी हजार दस, यानी हाथ में बहुत सारे 10,000 रुपये धन हो, अर्थात कहने का तात्पर्य खूब जिसके पास धन दौलत है तो भी वो क्या है, तो भी प्यारे विद्यार्थियों उसको उसकी आंखों की लालसा शांत नहीं होती, वे चाहे भले ही काफ़ी जो है धन दौलत वाले क्यों न हो जाए, फिर भी उनकी लालसा या इच्छा, आँखों की इच्छा शांत नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक सुख भोग भले ही चाहे कितने ही वो प्राप्त कर ले, खूब धन वैभव ऐश्वर्य चाहे प्राप्त कर ले, लेकिन जिनका राधा कृष्ण जी के युगल स्वरूप या राधा कृष्ण जी की सरस लीला में जिनका मन नहीं लगता, उनके लिए खूब धन दौलत ऐश्वर्य होने पर भी उनकी आँखों की लालसा या इच्छा कभी पूर्ति उनकी नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा, और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख देना, राधा कृष्ण से भक्ति स्नेह रखने की इसमें अभिव्यंजना की गई है कि राधा कृष्ण जी के प्रति भक्ति भावना रखने की अभिव्यंजना की गई है। और प्यारे विद्यार्थियों अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है, दोवा छंद है, भाषा ब्रिज है, ठीक है, प्रसाद माधुर्य गुण है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका वर्णन। और आक्षेप भी किया है तो आक्षेप भी अलंकार भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना आक्षेप भी किया गया है कि जो नहीं करते इसलिए आक्षेप भी किया है, तो आक्षेप अलंकार है। अगला पद देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गोप सुता कहे गोरी घुसाई निपाय परो विनती सुन लीजे कि दीन दया निधि दासी के ऊपर नेक सुनित दया रस भीजे। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों इसमें मती राम जी ने शंकर भगवान के प्रति है वो भक्ति भाव व्यंजित किया गया, कोई राधा या कोई गोपी है या राधिका जी है, वो जो श्री शंकर भगवान शिव जी के चरण कमलों का सहारा लेते हुए कहती है कि क्या कहती है देखिए वो वर्णन करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित राम ग्रंथ में संकलित भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें कोई गोपी या राधा है वह अपनी भक्ति भावना वंजित है वो कर रही है कि गोप सुता का अर्थ हो गया कोई गोपी या फिर राधा से हम इसका अर्थ ले सकते हैं। कहे मन प्यारे विद्यार्थियों कहती है गोरी गोसाई ने, गोरी कहते हैं पार्वती को, पार्वती के गोसाई यानी स्वामी, पार्वती के स्वामी यानी शिव जी, ठीक है। पाय परो का मतलब हो गया पैर पड़ती हूँ, पाय परो का अर्थ हो गया पैर पड़ती हूँ, विनती सुनी लीजिए कि आप मेरी विनती सुनिए, लीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और दीन दया निधि दासी के ऊपर जो दीनों पर दया के भंडार, ठीक है ना, दीनों पर जो दया के भंडार है ऐसे दासी के ऊपर, ऐसी सेविका के ऊपर आप सुनिए, ठीक है, हे प्रभु आप सुनिए कि आप थोड़ी सी दया रस बीजे, यानी दया रूपी रस से भिगा दीजिए, या वो सरोवार कीजिए, ठीक है, यहाँ पर सरोवार
अर्थ आ जाएगा सुनीत का। अब देखिए इसका अर्थ, कोई गोपी कहती है कि हे गोप सुता, कहे गोपी कह रही है कि हे पार्वती के स्वामी शिव जी, हे पार्वती के स्वामी शिव जी, ठीक है। हे पार्वती के स्वामी शिव जी सुनिए, क्या सुनिए, विनती सुनिए, तो पार्वती के पति शिवजी को जो यहाँ पर किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है कि हे पार्वती के पति शिवजी, आप मेरी विनती पाए परो, हम आपके चरण कमलों में पड़ती है। हे प्रभु, हे शिवजी, हम आपके चरण कमलों में पड़ती है। और चरण कमलों में पड़ के क्या कहती हैं, विनती कर रहे हैं, आपके चरण कमलों में विनती सुन लीजिए, आप मेरी विनती सुन लीजिए, क्योंकि आप दिनों पर दया करने वाले हो, दिना ना तो और दिनों पर दया के भंडार, हे दिनों पर दया करने वाले शिवजी महाराज, आपकी मैं दासी, इस दासी के ऊपर, इस सेविका के ऊपर नेकू सुनीत दया रसि बीजे, आप आपकी दासी है, उस गोपी कह रही है हे पार्वती के स्वामी शिवजी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपसे मैं विनती करती हूँ, आपके चरण पकड़ करके मैं आपकी आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे दया के सागर, हे दया के भंडार, हे दिनों पर दया करने वाले, आप इस सेविका पर थोड़ी सी कृपा करिए और आप अपने दया रस से मुझे सरोबार कर दीजिए, अर्थात तृप्त कर दीजिए, मुझे दया के सागर से सरोबार कर दीजिए, इस प्रकार से भिगा दीजिए, दया के रस से भीजे मने भिगा दीजिए, दया के रस से मैं सरोबार हो जाऊं। तो आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया, गोपी है वो शिवजी से दया भावना, अपने ऊपर कृपा अनुग्रह करने की बात है वो कह रही है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें विशेष वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि भक्ति भावना और आस्था का जो स्वर है वो इसमें अभिव्यंजित हुआ है, गोपी का भक्ति भावना और आस्था का स्वर इसमें व्यंजित किया गया है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास तो है ही है, रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों रूपक है और अनुप्रास है, ठीक है, और ब्रजभाषा है, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला पद लिखते हैं, इस पद में है ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला पद देखिए, देही जो ब्याई उछाए सो मोहन मात पिताओं को जो सो मन लीजिए, कि देही जो ब्याई उछाए सो मोहन मात पिताओं को सो मन कीजिए, कि सुंदर सांवर नंद कुमार बसे उर जो वह सोवर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में कवि मतीराम जी कहते हैं कि इस पद में देही जो ब्याही उछाए सो मोहने, कोई गोपी कह रही है कि देही मैंने देते हो जो ब्याही मैंने विवाहिता होने का वर, विवाहिता होने का वर देते हो, उछा मैंने उत्साह, उत्साह सो मोहने यानी मुझ पर, मुझे मात पिता हूँ, सोमन वह मात पिता मैंने माता पिता के समान ही, मात पिता हूँ को सो यानी माता पिता के जैसे, सो मन कीजिए यानी वह अपना मन कीजिए, अपना मन कीजिए यानी माता पिता के समान अपने मन को कर लीजिए। और सुंदर सांवरो नंद कुमार, नंद कुमार यानी श्री कृष्ण, प्यारे विद्यार्थियों नंद कुमार मैंने श्री कृष्ण, सांवरो मैंने सांवला, वो जो सांवला शलोना श्री कृष्ण जी है वो मेरे बसे मैंने बस जाए, निवास करे कहाँ पर, उर मैंने हृदय में,
हृदय में जो वह सो वर दीजिए, वह वरदान दीजिए। अब देखिए कोई गोपी कह रही है, मतीराम कवि जी कहते हैं कि कोई गोपी है या राधा है, वो श्री कृष्ण जी से या अपने आराध्य से कह रही है कि देही जो ब्याही उछाए सो मोहने, कि यदि आप मुझे विवाहिता होने का वर देते हो या मुझे विवाहिता होने का उत्साह देखना चाहते हो, मैं मुझे विवाहिता होने का जो उत्साह है या उमंग है वो देखना चाहते हो, ठीक है, या मुझे विवाहित होने का जो वरदान देना चाहते हो, तो पहले आप अपने माता पिता के समान मन कीजिए। तो हे प्रभु, आप अपने माता पिता के समान ही अपना मन है वो कीजिए, यानी वात्सल्य से परिपूर्ण आप हो जाइए, ममतामय हो जाइए। तो माता पिता के समान आप जो है अपना मन कीजिए। कहने का तात्पर्य कि माता पिता जैसे अपने संतान के लिए हमेशा हित करते हैं, अच्छा से अच्छे वर की तलाश वो करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर किया जा रहा है कि प्रभु आप अपने मन को माता पिता के समान कर लीजिए, और अगर आपको देना ही है और मुझे विवाहित ही करना है तो मुझे कौन सा वरदान दो, कि सुंदर सांवर नंद कुमार बसे उर जो है सो वर दीजिए। बहुत सुंदर पंक्ति कही है कि वो सुंदर सांवला सलोना श्री कृष्ण जी जो मेरे हृदय में बसा हुआ है वह मुझे वरदान में दीजिए, अर्थात वही मेरा पति बने, मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है कि जो सांवला सलोना नंद कुमार श्री कृष्ण है जो मेरे हृदय में बसा हुआ, जो वह उर बसे यानी वह जो मेरे हृदय में बसा हुआ है, सो वर दीजिए, सो मैंने वह वर दीजिए, मुझे वह वरदान दीजिए, वो श्री कृष्ण जी मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में इसमें आप प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण के प्रति कोई गोपी है, उसकी प्रेमा भक्ति है, वो अभिव्यंजित हुई है श्री कृष्ण जी के प्रति, प्रेमा भक्ति का भाव है वो गोपी के द्वारा व्यक्त किया गया है। और साथ ही साथ आप लिखेंगे विशेष वाले पॉइंट में ब्रजभाषा है, ठीक है, और अनुप्रास उपमा अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप उपमा और अनुप्रास अलंकार तो है ही, यह सब में आता है, ये आप आराम से लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार तो सर्व प्रमुख है ही है, ठीक है। तो ये आप भाषा ब्रज है ही है, लिख देना। अब अगला पद देखिए लास्ट अंत का, कि विषय नीते निर्वेद वर ज्ञान योग व्रत ने विकल जानियो ये बिना तो प्रभु पद पंकज प्रेम। देखिए इसमें बहुत सुंदर बात कही है कि सांसारिक विषयों आसक्तियों में पड़े रह करके अगर उन नियमों का हम धारण करते हैं, अगर भगवान का नियम नहीं करते हैं तो वो सब व्यर्थ है। राधा कृष्ण का श्री कृष्ण जी की आराधना अगर नहीं करते हैं तो बाकी सब जो सांसारिक क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सब व्यर्थ है, ये बात इसमें कही है। कवि मतीराम जी कहते हैं विषयानी ते, विषयानी मैंने सांसारिक विषय वासनाएं, सांसारिक विषय वासना ते मैंने वे निर्वेद कर मैंने विरक्ति, सांसारिक विषय वासनाओं से भलाई विरक्ति हो जाए, विरक्ति करे कोई मनुष्य, फिर ज्ञान योग व्रत और नेम, नियम अपनाए व्रत करे योग साधना करे, ज्ञान ले, ठीक है ना, ज्ञान साधना करे, योग साधना करे, व्रत उपवास करे, नियमों पर चले, स्वाध्याय मौन, इस प्रकार के जो नियम है इन नियमों को करे, फिर विकल जानियो ये बिना विफल का मतलब निष्फल हो जाते हैं, कोई फल नहीं मिलता, जानियो मैंने जान लीजिए या जानिए ये बिना प्रभु पद पंकज प्रेम। बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु से, ईश्वर से, प्रभु के चरण कमल, पद पंकज, पंकज मैंने कमल, तो कमल कौन से, चरण कमल, तो भगवान के, प्रभु के चरण कमलों से प्रेम किए बिना ये सब चीजें क्या है, व्यर्थ है। भगवान के चरण कमलों के बिना ये सब चीजें व्यर्थ है। सबसे प्रमुख माना है भगवान के चरण कमलों की भक्ति,
चरणे कमल है जो, चरण कमलों की भक्ति। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में रचित संकलित भक्ति भाव पद शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें कवि ने सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करके या सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्ति होने पर भी प्रभु चरण की भक्ति करने की बात इसमें कही है। देखिए कि विषयानी ते निर्वेद वर, यानी बड़े बड़े अच्छे अच्छे श्रेष्ठ वर मने श्रेष्ठ या अच्छे अच्छे भावों से अगर सांसारिक विषय आसक्ति से भी अगर कोई व्यक्ति विरक्ति हो जाती है, यानी श्रेष्ठ बन जाता है और वह सांसारिक विषय आसक्तियों से दूर हो जाता है, विषय वासनों से विरक्ति रखना उचित है, अच्छा कर्म है, बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, ठीक है ना। सांसारिक विषय आसक्तियों से विरक्ति होना कवि कह रहे हैं वर मने श्रेष्ठ है। और ज्ञान योग व्रत नियम, यानी ज्ञान साधना योग साधना व्रत उपवास नियम नियम जो भी है इनका भी पालन करना भी बहुत अच्छा है, परंतु इतना सब करने पर भी अगर विफल जानियो ये बिना प्रभु पद पंकज प्रेम। लेकिन ये सब चीजें प्यारे विद्यार्थियों तब निष्फल हो जाएगी जब तक आपके प्रभु पद पंकज प्रेम यानी प्रभु के चरण कमलों से प्रेम अगर आपको नहीं होगा, तो मतीराम जी कहते हैं तब वो सब चीजें विफल जानियो ये बिना, यानी ये सब निष्फल हो जाएगी अगर आप प्रभु पद पंकज प्रेम यानी प्रभु के चरण कमलों से अगर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये सब चीजें जो नेम नियम उपवास व्रत ज्ञान विरक्ति है सब चीजें व्यर्थ हो जाएगी, ये बात इसमें कही है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये बताया गया कि नियम, नियम का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह करना, नियमन है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों पर काबू करना, नियंत्रण करना और मन को साधना। धर्मशास्त्र में प्यारे विद्यार्थियों नियम के 10 प्रकार बताए हैं, 10 प्रकार के नियम बताए गए हैं, जिनमें आपके जिस प्रकार से जैसे मौन नियम है, स्वाध्याय है, दान करना है, यज्ञ करना इत्यादि, ऐसे ऐसे नियम 10 प्रकार के नियम होते हैं, उन नियमों को दो धारण करता है, ये नियम हो गए। प्रभु भक्ति में मन लगाने का नियम ही सबसे सफल रहता है, यहाँ पर ये बात कही है। ये अभी आप लिख सकते हैं कि प्रभु की भक्ति में अगर कोई व्यक्ति नियम लगाता है तो बाकी सब नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाकी नियम लगा दिए लेकिन प्रभु भक्ति का कोई नियम नहीं लगाया तो वो सब चीज़ें निष्फल है। भाषा ब्रज है, ठीक है, दोहा छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो पद है आपको भक्ति भाव से संबंधित समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे मतीराम जी के आगे के पदों को जो श्रृंगार वर्णन से हैं, भक्ति भाव के सारे पद हो चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो मतीराम जी का श्रृंगार सुषमा जो वर्णन है उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इन व्याख्याओं को प्यारे विद्यार्थियों ठीक से पढ़िए और इनके नोट्स बनाइए, शब्दार्थों पर गौर कीजिए, ठीक है, और याद कीजिए इनको। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।